बच्चों की हमेशा ही डिमांड रहती है चॉकलेट्स के लिए, केक्स के लिए। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बिल्कुल मार्केट स्टाइल, सिर्फ 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 तीन चीजों से चोकोलावा केक। ये चोकोलावा केक आज बनेगी बिना अंडा, बिना अवन, बिना बेकिंग सोडा, बिना बेकिंग पाउडर, बिना कोको पाउडर, बिना चॉकलेट, बिना बटर और बिना मोल्ड। इसको आज हम बनाएंगे अपने सिंपल से चाय वाले कप में, इसलिए आप इसे चोकोलावा कप केक भी बोल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूँ पारुल, कुक विद पारुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्विक एंड इजी चोकोलावा कप केक बनाने के लिए यहाँ मैं ले रही हूँ सिंपल ओरियो बिस्किट जो हर जगह इजीली मिल जाती हैं। तो यहाँ पर मैंने लगभग 24 पीस लिए हैं, जो ये वाला पैकेट आता है ना 120 ग्राम वाला, तो ये मैंने दो पैकेट लिए हैं। दूसरी कोई चॉकलेट बिस्किट लेना चाहे तो आप वो भी ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आप क्रीम वाली ही लें। सबसे पहले आप बिस्किट के कर लीजिए इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े, जिससे आसानी से हम इसका एक फाइन पाउडर बना पाए। एक्चुअली जब आप बिस्किट से कोई केक बनाते हैं, एक तो बनती बहुत बढ़िया है, दूसरा आपका जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं केक बनाने के, मान के चलिए आधे हो जाते हैं, फिर आपको बहुत सारा सामान इकट्ठा करने की जरूरत नहीं केक बनाने के लिए। अब आप लीजिए एक ग्राइंडिंग जार, और ग्राइंडिंग जार में हम ये सारे ओरियो के पीसेस को डाल देंगे। बिल्कुल बढ़िया से बिस्किट का फाइन पाउडर तैयार कर लिया है, और इस स्टेज पर बस अब जो सेकंड इंग्रेडिएंट इसमें जाएगा वो है दूध। यहाँ मैंने सिंपल उबला हुआ दूध लिया है रूम टेम्परेचर पर, ना गर्म ना ठंडा, तो सारा एक साथ नहीं डालेंगे। पहले इसमें से मैं आधा डाल रही हूँ, थोड़ा मैंने बचा लिया है, और एक बार और हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। इससे एकदम हमारा स्मूथ बैटर तैयार हो जाएगा चोकोलावा केक के लिए। जरूरत लगेगी तो थोड़ा सा दूध और ऐड कर लेंगे। अब आप लीजिए एक बोल, और बोल में हम अपने सारे चोकोलावा केक के बैटर को निकाल लेंगे। ऐसा बैटर बनाने में जो मैंने आधा कप दूध लिया था वो पूरा लग गया है, फुल हाफ कप दूध मैंने यूज किया है। और ये लीजिए हमारा परफेक्ट बैटर है बिल्कुल तैयार। जब आप इस तरह गिराएंगे तो ये देखिए ये रिबन की तरह गिर रहा है, यानी यहाँ जब आप डाल रहे हैं इस तरह से शेप आकर के ये मर्ज हो रहा है। बिल्कुल इस कंसिस्टेंसी का हमें बैटर तैयार करना है। यहाँ ना आपको कोई चीनी डालनी है क्योंकि बिस्किट पहले से ही बहुत मीठी थी, ना ही कोई फ्लेवर क्योंकि बिस्किट में अपना ही फ्लेवर होता है। चाहे तो आप यहाँ पर एक छोटी चम्मच वनीला एसेंस डाल सकते हैं। बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर की भी आपको यहाँ अभी बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए अब आगे बढ़ने से पहले एक फटाफट करते हैं छोटा सा काम। तो आज ये चोकोलावा कप केक हम बनाएंगे अपनी देसी कढ़ाई में बिना अवन के। बहुत ही आसान, ऐसी बड़ी कढ़ाई हो वो ले लीजिए, बड़ा कोई भगोने जैसा हो वो भी ले सकते हैं, इवन आप कुकर में भी बना सकते हैं। इसमें आप लगा दीजिए एक स्टैंड, ऐसा कोई स्टैंड हो वो लगा दीजिए, अगर स्टैंड नहीं है तो कोई कटोरी लीजिए उसको उल्टा करके रख दीजिए। अब आप गैस को करें ऑन और फ्लेम को कर दें मीडियम, और मीडियम फ्लेम पर एक लिड लगा करके हम इसको प्री हीट होने देंगे लगभग 5 से 6 मिनट के लिए, जिससे फिर ये अवन जैसा काम करेगी। तो इसको होने देते हैं गरम। चोकोलावा केक का टेम्पटिंग लावा जो अंदर से निकलता है ना यमी, वो बनाने के लिए मैं यहाँ ले रही हूँ डिसानो चोको स्प्रेड। आप जो सिंपल चॉकलेट स्प्रेड होता है उससे बहुत ही बढ़िया टेम्पटिंग लावा चोकोलावा केक का तैयार कर सकते हैं, फिर ना आपको किसी चॉकलेट की जरूरत पड़ेगी ना ही किसी कोको पाउडर की। तो ये हम ले लेंगे 2 बड़े चम्मच। बहुत ही बढ़िया झटपट तरीका लावा तैयार करने का, बिल्कुल यमी लग रहा है, ऐसे ही खा लेंगे आप। यूजुअली चॉकलेट स्प्रेड हम सभी के घर में रहता ही है, बच्चों को ब्रेड वगैरह सभी चीजों पे हम यूज करते हैं। अब आप चॉकलेट स्प्रेड में हल्का सा इसको मॉइस्चर करने के लिए थोड़ा सा लगभग 1 बड़े चम्मच के करीब दूध मिक्स कीजिए। एक साथ पूरा नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ही करेंगे। सिंपल रूम टेम्परेचर पर दूध है, गर्म नहीं करना है, बस इसी तरह से फेंटते हुए मिक्स कर लीजिए। ये देखिए हो गई ना एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी। और इस तरह दूध मिक्स करने के बाद थोड़ी देर के लिए आप चाहें तो फ्रिज में रख दीजिए, ये थोड़ा सा और थिक हो जाएगा तो आपको चोकोलावा बॉल्स को रखना आसान हो जाएगा। और आज ये चोकोलावा केक हम बना रहे हैं कप में, यानी चोकोलावा कप केक। अब आपको लग रहा होगा कि कप में बनाएंगे तो कप तो टूट जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। सिंपल जो सेरामिक कप होते हैं थोड़े से हैवी वाले जो हम चाय वगैरह के लिए यूज करते हैं उसको आप ले लीजिए। अगर आप कप में नहीं बनाना चाहते तो आप इसे स्टील की कटोरी में भी बना सकते हैं, या फिर जो पार्टी वाले पेपर कप्स होते हैं उनमें भी बनाया जा सकती है, या फिर हीट प्रूफ जो कांच के बोल आते हैं उनमें बना लीजिए। तो आप चोकोलावा कप केक किसी में भी बना सकते हैं इजीली। अब आप लीजिए कप जिसमें हम बनाने वाले हैं, एक बूंद डालिए ऑयल, और ऑयल डाल करके अच्छी तरीके से कप को कर लीजिए ग्रीस, जिससे हमारी जो चोकोलावा केक है वो चिपके नहीं। इस तरह से हम सारे ही कप ग्रीस कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा बैटर हम कप्स में डालेंगे,
बिल्कुल इस तरह से पूरे कप को बिल्कुल नहीं भरेंगे, क्योंकि बेक होने के बाद जो केक है वो थोड़ी फूलेगी भी, तो उसी हिसाब से आप डालें। लगभग 3/4 कप के करीबी हमें इस कप को फिल करना है। तो इस तरह से मैंने कप में बैटर को फिल कर लिया है। आप देख सकते हैं कप मैंने पूरा ऊपर तक नहीं भरा है, बहुत ही जरूरी पॉइंट। अब इसमें हम डाल देंगे हमारे चॉकलेट स्प्रेड वाला जो अभी मिक्स हमने तैयार किया ना। ये देखिए हमारी लावा फिलिंग भी अब थोड़ी थिक हो गई है। ये देखिए जब आप इस तरह घुमाएंगे तो जो आपका चॉकलेट स्प्रेड आपने तैयार किया था मिल्क मिला करके वो बिल्कुल इस तरह तैयार हो जाएगा। तो इस तरह छोटी बॉल हम इसके बीच में रख देंगे, हल्का सा प्रेस कर दीजिए और ऊपर से भी थोड़ा सा बैटर हम स्प्रेड कर देंगे और एक स्पून से ऊपर की सरफेस को थोड़ा सा इवन कर दें। है ना कितना आसान तरीका, कभी भी आप इस तरह बना सकते हैं जब बच्चों का मन कर जाए। तो इसी तरह से हम इसकी छोटी छोटी चोकोलावा बॉल्स तैयार करेंगे और इसमें डालेंगे। थोड़ा सा बैटर डालिए, ऊपर से हल्का सा इवन कर दीजिए या इस तरह से टैप कर दें। तो मैंने चारों ही चोकोलावा कपकेक के लिए कप्स तैयार कर लिए हैं। अब इन्हें करते हैं फटाफट से बेक कढ़ाई में। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप मेरी रेसिपीज ट्राई करते हैं और उनकी पिक्चर्स मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर उन रेसिपीज की पिक्चर्स शेयर कर सकते हैं, मुझे बहुत खुशी होगी। कढ़ाई भी हमारी प्री हीट हो गई है, अब आप लिड को धीरे से हटाएं, परफेक्ट। और स्टैंड पर आप लगाइए संभल कर एक प्लेट। धीरे धीरे कप्स को हम सेट कर देंगे, बहुत ही इजी तरीका जैसे आपने देखा। और सिर्फ हमने 3 बेसिक चीजों का इस्तेमाल किया है, चॉकलेट स्प्रेड, दूध और बिस्किट का पाउडर। अब इस पर हम लगा देंगे लेट। जरूरी पॉइंट, यहाँ पर इस प्रकार का आप ढक्कन लगाएं जहां से स्टीम बाहर ना आए, वरना क्या होगा कि आपकी बहुत ज्यादा समय लग जाएगा केक बनाने में। तो जो बर्तन बड़ा सा कोई हो वो इसके ऊपर रख दीजिए, या कोई भी ढक्कन जो आपकी कढ़ाई या भगोने में फिट आए उसको रखिए। अब आप फ्लेम को कर दीजिए लो, और लो फ्लेम पर लगभग इसी तरह 10 से 12 मिनट हम इसको बेक होने देंगे। लगभग 7-8 मिनट बाद एक बार आप चेक कर लें कि हमारे चोकोलावा केक प्रॉपर बेक हो रहे हैं या नहीं। यहाँ पर जरूरी बात, टाइम थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, थोड़ा पहले भी बन सकते हैं थोड़ा बाद में भी, ये डिपेंड करेगा आपके गैस के बर्नर पर, फ्लेम पर, जो आपने कढ़ाई ली है वो कितनी भारी है, जो लिड लगाया है वो किस प्रकार से आपने लगाया है। और अगर आप इसे ओवन या माइक्रोवेव में बनाना चाहते हैं, अगर आप एक कप बना रहे हैं चोकोलावा कप केक तो सिर्फ एक कप पूरा फिल करके जैसे मैंने तैयार किया है आप माइक्रोवेव में हाई पावर सेटिंग पर रखिए, लगभग 1-1.5 मिनट आप सिंपल बेक कर लीजिए और आपका चोकोलावा कपकेक तैयार हो जाएगी। लगभग 10-12 मिनट हो गए हैं तो एक बार चेक कर लेते हैं। वाओ, परफेक्ट, आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया चोकोलावा कपकेक्स तैयार हुई हैं, एकदम फुल फुल कर, एकदम फ्लफी स्पॉन्जी। अब आप लीजिए कोई नाइफ या इस तरीके की कोई भी टूथपिक और इस तरह साइड से आप डालकर देखिए। ये देखिए पिक एकदम क्लीन निकली है हमारी, आप देख सकते हैं। अगर यहाँ पर आपको थोड़ा भी गीलापन फील हो तो आप 2 मिनट के लिए वापस लिड लगाकर थोड़ा और बेक कर लें। और देखिए कप नहीं टूटे हैं, आपको लग रहा होगा कांच के कप कहीं टूट तो नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं टूटेंगे, आप सेरेमिक कप्स लीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस अब गैस को ऑफ करेंगे और अपनी चोकोलावा कपकेक्स को निकालेंगे और थोड़ा ठंडा होने देंगे। और ये देखिए कितनी सुंदर दिख रही है, आप देख सकते हैं, किसी को विश्वास नहीं होगा कि आपने ये इतनी जल्दी और इतने आसान तरीके से कढ़ाई में चोकोलावा कपकेक्स बनाई हैं। तो ये लीजिए बिल्कुल तैयार है झटपट बनने वाली 3 इंग्रेडिएंट चोकोलावा कपकेक, जिसे आप कभी भी बना सकते हैं सिंपल से घर में रखे सामान से। सिंपल तरीके से फटाफट बनाइए, 100% एकदम बढ़िया आपकी मार्केट स्टाइल चोकोलावा केक तैयार हो जाएगी। हल्का हल्का लावा ऊपर भी देख सकते हैं, और ये देखिए एकदम सॉफ्ट और फ्लफी। और ये देखिए मेरे कांटे से ही लग रही है ना, एकदम सॉफ्ट स्पंजी और मॉइस्ट, सुपर। ये देखिए यम्मी चोकोलावा कपकेक है बिल्कुल तैयार, और ये देखिए इसके अंदर की चॉकलेट बहुत ही मजेदार, आपको खाकर मजा आ जाएगा, जरूर बनाने वाली रेसिपी है। यकीन मानिए फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल और सरल रेसिपी है, बहुत ही बढ़िया भी लगती है खाने में। आप बनाइए और मुझे अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपकी चोकोलावा कपकेक कैसी बनी। बिल्कुल परफेक्ट, पहली बार में ही आपकी चोकोलावा कपकेक तैयार हो जाएगी। मैं आपको चम्मच घुमाकर दिखा रही हूँ, आप इस साइड से भी देख सकते हैं इसका जो यमी टेक्सचर आया है, मॉइस्ट स्पॉन्जी जालीदार बनी है ना, एकदम सॉफ्ट। आ गया ना आपके भी मुंह में पानी। तो बस अब देर कैसी, सामान आपके पास है ही, फटाफट जाइए ट्राई कीजिए, बनाइए और मुझे जरूर बताइए कि कैसी लगी आपको।
उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज 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 ढेर सारे लाइक कीजिए, सभी फैमिली फ्रेंड्स सोशल साइट्स पर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी तरह अपना प्यार मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी जरूर दें। सभी रेसिपीज की डिटेल्स आप मेरी वेबसाइट cookwithparul.com पर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल। जय हिंद, जय भारत।